कुछ महान हस्तियां ऐसी है जो सोचती है कि ब्रह्मचर्य से इंसान बंध जाता है, यानी कि युवावस्था में अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, ये तो सिर्फ बुढ़ापे के लिए सही है। यहाँ तक कि ये लोग ब्रह्मचर्य को कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये ओल्ड फैशन चीज़ें हैं, यानी कि आज के समय में ब्रह्मचर्य का कोई काम नहीं है, आज के टाइम में फास्ट चीज़ों का ज़माना है, जल्दी जल्दी से सब कर लो हो जाएगा, अब तुम युवावस्था में मज़ा नहीं कर रहे हो तो भाई कब करोगे, एक ही तो ज़िंदगी है, कर लो। इस तरह के सवाल जो लोग उठाते हैं ना, आज उनको एक कहानी के माध्यम से जवाब दूंगा। एक बार एक आदमी पतंग उड़ा रहा था, थोड़ी देर बाद एक लड़का आकर उनसे कहता है कि आप क्यों ना ये डोरी छोड़ दो पतंग की, क्योंकि ये पतंग डोरी से बंधी हुई है, अगर आप इसको छोड़ देते हो तो ये पतंग और भी ज़्यादा ऊंचा जाएगा। अब दोस्त आप मुझे एक बात बताइए, आपने पतंग तो उड़ाया ही है ना, तो पतंग को अगर रस्सी से अलग कर दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए तो पतंग क्या ज़्यादा देर ऊंचाई पर उड़ेगा या फिर थोड़ी देर में वो नीचे आ जाएगा? ऑफकोर्स वो नीचे आएगा, राइट? इसी प्रकार से जो इंसान ब्रह्मचर्य का नाश करता है वो समझ लो उस डोरी को उठाकर फेंक दे रहा है, तो अगर वो डोरी है उसको छोड़ दिया जाए उसी के हाल में, वो पतंग कहाँ चला जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना? उसी प्रकार से हमारा जो ब्रह्मचर्य रूपी डोरी है ना, उसको हमें होल्ड करके रखना होगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी काम वासना को हावी होने देते हैं ना, तो वही होता है जो इस पतंग के साथ होगा, यानी कि जो पतंग को हम इसी तरह छोड़ देते हैं वो कहाँ चला जाएगा कोई उसका अता पता भी नहीं रहेगा, वो पतंग आगे जाकर फट जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना। उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी आघात पहुंचेगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मचर्य हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई इंसान लटाई को डोरी के साथ धीरे धीरे करके छोड़ेगा ना तो वो पतंग बहुत ऊंचा जाएगा मेरे भाई। तो इसी प्रकार से अगर आपका भीत मजबूत है, अगर आप ऋषियों की वाणी सुनते हो, अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हो, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो।